हे अभी असलकुम कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे मस्त स्वस्थ हो गए गाइज़ आज मैं बिहारी स्टाइल में आप लोगों को चिकन बना के दिखाऊंगी और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है और ये रेसिपी मेरे गांव से मैंने भाभी से अपने बनाना सीखा था पहले इसमें क्या करना है चिकन में लहसुन पेस्ट हल्दी नमक डाल के और फ्राई करने को अलग से चढ़ा देना है और दूसरे साइड जो भी गर्म मसाला खड़ा होता है यानी लौंग हुआ इलायची हुआ दालचीनी हुआ तेजपत्ता हुआ इन सब के साथ इधर मतलब चिकन प्याज को ब्राउनिश होने तक रहने देना है जब तक ब्राउन हो रहा है तब तक और इधर हम चिकन चेक करते रहेंगे तेज़ आंच पे रखेंगे ज़्यादा मतलब मीडियम या तेज़ हाई फ्लेम पे रखना है कम पे नहीं रखना है बिकॉज चिकन है इजली गल भी जाता है ये और लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था बाहर का मेरे विंडो खुला हुआ था जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर मैंने उसको क्लोज़ किया आज दिल्ली में थोड़ी धूप भी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चे लोग संडे था तो बोला कि मम्मा चिकन बनाओ ना ठंडी का टाइम है कि कुछ खाने का चटपटा मन करा तो फिर मैं सुबह में भी इन लोगों को भूख लगी हुई थी बिकॉज के सुबह में भी इन लोग लाइट ही ब्रेकफास्ट लिया था और लहसुन धनिया लाल मिर्च गरम मसाला ये सब मैंने मसाले में निकाला हुआ था पाउडर में और मेरा हर मसाला पहले से ही रेडी रहता है ये देखो कितना डिलीशियस लग रहा है ओ माय गॉड मन करा अभी खा जाओ सब बहुत टेस्टी लगता है कोई भी फिश हो या चिकन हो मतलब फ़्राई फॉर्म में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है ज़्यादा टेस्टी लगता है वो चीज़ और इधर मेरा प्याज ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो चुका था और जब ये हो जाएगा तो जो भी मैंने मसाला खड़ा वाला रखा था ना और इसको ऐसे ही चलाते रहना है कि नीचे सटे ना बार बार मतलब चलाते रहना है और इधर मेरा हो भी गया था ये देखो मस्त और मैं ऑफ़ कर दूंगी इसे आप चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो और ये जो मसाला था उसमें मैंने पानी मिक्स कर लिया है ताकि मतलब इजली अच्छा रहता है वो टेक्सचर उसका अच्छा आता है ये देखो और मैंने इसमें जो बचा हुआ है उसको भी मैं उसमें खंगाल के डाल दूंगी उसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है और कम आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है और आप चाहो तो इसमें चिकन मसाला में पांच का पैकेट आता है चिकन वाले शॉप पे भी मिलता है और किसी भी छोटे मोटे दुकान पे इजली मिल जाता है तो वो ले लेना या मार्केट से अगर आपके पास डिब्बा है तो वो दोनों में से कोई सा किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो और मैं इसको ढाँक के रख दूंगी ताकि प्याज थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए गल जाए और ये देखो चिकन कितना टेस्टी लग रहा है और मैं अपनी बेटी के लिए बेटी का डिमांड था कि मम्मा मैं पुलाव नहीं खाऊंगी और बेटा बोला था कि मुझे पुलाव खाना है तो बेटी के लिए मैंने सोचा कि रोटी बना ले रही हूँ ताकि मतलब भरपेट खा सके वो तो उसके लिए मैंने रोटी बना लिया और रोटी बना भी रही थी और इधर मसाला एक बार दो बार खोल के मैंने देखा तो ऑलमोस्ट डन था वो गल गया था प्याज और फिर मैं जो भी था चिकन उसमें प्लट दिया और फिर इसको अच्छे तरीक़ा से अब भूनना शुरू करेंगे मसाला के साथ प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो सके और मैं इसको ढाँक के फिर कमाच पर छोड़ूंगी ताकि तेल छोड़े और जब भुनने का एक देखने का क्या होता है ना उसका सिम्टम क्या रहता है कि वो तेल छोड़ने लगता है साइड से अब जब भी आपको देखना है कि गोश्त भुनाया है या नहीं तो वो साइड साइड से तेल दिखाई देने लगता है तो समझ जाना कि प्रोसेस में आ चुका है बुनाने के और ये मेरी रोटी एक दो एक्स्ट्रा भी मैंने बना ली कि बच्चा अगर शान का भी मूड चेंज हो गया तो फिर कहीं रोटी के लिए जिद करेगा तो एक दो रोटी मैंने एक्स्ट्रा भी निकाल लिया था और फिर ये रख दिया मैंने और चिकन का क्या है ना कि मतलब बनाओ ना तो बच्चे चाहते हैं कि फ़्राई में ही खा लें और ये देखो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और कोई भी चिकन हो या मटन हो या कोई भी मतलब मीट हो उसको भूनने जितना ही फ्राई होगा प्रॉपर भुनाएगा मसाले के साथ या ऐसे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है जैसे कोरोना टाइम में या कोई अगर चिकन को बीमारी भी चला हुआ है तो उसमें भी अगर फ्राई कर दोगे ना तो जो भी उसका बैक्टीरिया वायरस जो भी रहता है वो सारा फिनिश हो जाता है ऐसे तो खाता कोई नहीं है और गरम मसाला लास्ट टाइम में जब भूनने लगे तेल छोड़ने लगे जैसे अभी शो हो रहा है यहाँ पे तेल साइड साइड से छोड़ रहा है ना तब गरम मसाला डालना है भूनने के टाइम में आप एक चम्मच डालो बिकॉज के मैंने खड़ा मसाला भी यूज़ किया हुआ था उसमें तो आप अपने अकॉर्डिंग और मैं आप ऐसा ड्राई भी यूज़ कर सकते हो चिकन और मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज के मैं पुलाव बना रही हूँ तो उसमें पुलाव के साथ खाने के लिए थोड़ा सा रोग ये शुरुआ रहना चाहिए ना ग्रेवी तो बिना ग्रेवी के कैसे खाएंगे पुलाव तो उसके लिए मैं डाली हूँ गाइस प्लीज़ यार वीडियो को मेरे लाइक like, सब्सक्राइब बहुत सारा प्यार दिया करो वॉचिंग टाइम भी नहीं इंक्रीज हो रहा है आप लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर की तरह आप लोग से क्या छुपाना तो बहुत सारा मेरे वीडियो को प्यार दिया करो अब ये हो चुका है डन देखो इसमें उबाल भी आ गया तो बॉइल हो चुका